फ्रेंड आप देख रहे हो इधर वेल्डिंग मशीन रखा है, जो अगले वाले वीडियो में हम दिखाया था वो मशीन है। मैं इसका पावर दे रहा हूँ, आप देख सकते हो इधर ओसिलेट जल रहा है और मल्टीमीटर में हम इसको बंद कर दे रहा हूँ और मल्टीमीटर में मैं शो भी कर दे रहा हूँ। इधर शॉर्ट है, इसको लाइन जाने के बाद आप देख लीजिएगा। अभी चार्ज है कैपेसिटर इसलिए लाइट है, अभी चला गया। अब देख रहे हो अभी शॉर्ट है, फुल्ली शॉर्ट है। तो इसका डायोड जो ख़राब था हम लोग रेक्टिफाई किया था पहले वाला वीडियो में, आज इस डायोड को चेंज करेंगे। ये चेंज करने से पहले ये डायोड को चेंज कर बहुत तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर मेरे पास कुछ एक्सटर्नल सोर्स होता तो प्लस में प्लस, माइनस में माइनस, पॉजिटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव लगा देता तो क्या होता, वो जो डायोड है वो डायोड शॉर्ट की वजह से उसको ख़राब हो जाता, फुल्ली ख़राब होकर बास्ट हो जाता अगर ज़्यादा एम्पेयर का बैटरी होता। अगर लो एम्पेयर का बैटरी है तो उसको बैटरी देके हम लोग धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ा के उसमें टेम्परेचर ऐसे उंगली रख के टेम्परेचर देख सकते हैं, जिसमें राइज हो रहा है उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ जो सिस्टम नहीं है, अरेंज नहीं है, इसलिए मैं दूसरी तरह से इसको चेक करने की कोशिश करूँगा। देखिए इधर देखिए, एक दो तीन कॉपर वायर है, ये दोनों एक ही साथ पैरेलल लगा है, एक दो तीन, और इस तीनों को भी एक साथ पैरेलल लगा है इस वायर के थ्रू। तो मैं क्या करूँगा, अब देखिए इधर से, अब इधर दिखाइए, इधर से इधर एक, यहाँ से इधर एक, मैं इसको खोल दे रहा हूँ, इधर से एक वायर है, इधर से इधर एक है, इधर से इधर एक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको इसमें एक इसको अलग करूँगा, इसको अलग करूँगा। इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, इधर से इधर। मैंने इसको पहले भी खोल लिया था इसलिए ज़्यादा नहीं करेंगे उधर, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इधर में इस सेक्शन में फॉल्ट है इसलिए इधर ही करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए पहले आपको लोग क्या करना है, इधर ऐसे ऐसे 65 वाट का तातर लेना है, फिर इसको हीट करना है। थोड़ा हीट होने के बाद जब शोल्डर हीट हो जाएगा तब इधर, अभी इधर देख सकते हो इधर मैं चिमटा दिख के इसको तो एक करके उठा दे रहा हूँ, उठा दिया। फिर उठाने के बाद मैंने इसको रख दिया, फिर मैंने इसको मीटर को क्वांटिटी में रखा। फिर अभी चेक करो, अभी भी शॉर्ट है। फिर दूसरे में कुछ है, इसको खोल दिया, फिर दूसरे को देखूंगा, दूसरे तार को। ठीक है, और एक भी खोल दिया, आप इधर देख सकते हो, इधर देख सकते हो, इधर उठा दिया हूँ, इसको खोल दिया हूँ, फिर मैं क्वांटिटी में चेक कर रहा हूँ। देखिए अभी भी है, इसके अंदर और भी कुछ खराब है, ये दोनों में नहीं है। फिर इसको भी उठा दे रहा हूँ, ठीक है ना दोस्त। तो इसको खोल दे रहा हूँ, फिर चेक करेंगे। देखिए अभी भी है, अभी का है मतलब इधर आपको सही से देखना पड़ेगा, इधर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ अभी देख सकते हो, अभी देखिए क्वांटिटी चला गया, क्वांटिटी चला गया। इधर देखिए, इधर नेगेटिव में एक रख, इधर से इधर देखिए, अभी हम लोग चेक करेंगे। इधर शॉर्टिंग नहीं है, ये दोनों पैरेलल में शॉर्टिंग नहीं है, इसमें भी शॉर्टिंग नहीं है, इसमें भी शॉर्टिंग नहीं है, लेकिन इसमें शॉर्टिंग है, ठीक है ना, इसमें शॉर्टिंग। तो इस दोनों में किसी एक में प्रॉब्लम है। इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, खोलेंगे, इसको खोलेंगे, इसको स्क्रूड्राइवर की मदद से मैंने खोल दिया। फिर इसको इधर
देखिए मैंने इसको खोल दिया। खोलने के बाद इधर शॉर्ट है, इसका मतलब ये अच्छा है, ये अच्छा है, इस वाले में शॉर्ट हो गया। ज़्यादातर यार एक ही डायोड खराब होता है, दो नहीं होता है, तो हो भी सकता है, लेकिन मैक्सिमम केस में एक ही डायोड खराब होकर ओवर प्रोडक्शन में आ जाता है, दूसरे को खराब होने का चांस ही नहीं देता है, ठीक है ना। इसमें प्रोटेक्शन सिस्टम है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में एक ही डायोड खराब होता है। अब इधर देख सकते हो एक खराब हो गया, इसमें फुल शॉर्ट हो गया, ये चीज एक खराब हो गया, तो मैं आप लोगों को दूसरे लगा के दिखा रहा हूँ। साफ कर ले रहा हूँ डिसऑर्डर की मदद से। अरे इस वाले तो अच्छा है, इसको भी थोड़ा सही कर ले रहा हूँ। स्पिन को सीधा कर ले रहा हूँ, फिर मैंने इसको इधर लगा दे रहा हूँ। इसको लगा दिया, मैंने नया खरीद के लाया था, नया डायोड है, आप देख सकते हो एकदम नया है। इसको भी इधर लगा दे रहा हूँ, फिर इसका नॉट है उसको कस दे रहा हूँ। फोकस दे रहा हूँ, इधर मैंने सोल्डिंग कर रहा मैंने सोल्डरिंग कर दिया। आप देख सकते हो मीटर में बीप सुना, देखिए अभी कुछ बीप साउंड नहीं है। अब इधर इसको लगाऊंगा, इधर लगाऊंगा मैंने, इधर जो है अब देखिए इधर होल में इसको लगा दिया, फिर इधर थोड़ा सा हीट करके इसको अंदर दे दिया, फिर इधर सोल्डर देंगा, थोड़ा हीट करके इधर ठेल दूंगा भीतर की तरह, अंदर की तरह। अब लोग देख लीजिए सही से, अब लोग को भी ऐसा करना है। अगर आपके पास बैटरी होगा कि एक्सटर्नल सोर्सेस होगा तो आप अलग से कर सकते हो, लेकिन नहीं होगा तो ऐसे ही आप लोगों को करना पड़ेगा, नहीं तो आपको सब डायोड के सारे डायोड के एक साथ खोलना पड़ता, इसलिए नहीं खोला, इसलिए ऐसे लगाया मैंने, ऐसे दिमाग ऐसे करके खोल सकते हम। फिर मैंने यहाँ पे शोल्डर दे रहा हूँ, शोल्डर अच्छी तरह से करना है।
तो इधर अच्छी तरह से सोल्डरिंग हो गया। इधर भी मैंने ओपन किया था तब चेक करने के लिए, इसलिए इधर भी चेक कर ले रहा हूँ, थोड़ा सोल्डिंग सही से कर दे रहा हूँ। अगर इधर से एम्पियर जाता है या लूज कॉन्टैक्ट रहेगा तो बहुत दिक्कत होगा, दूसरे डायोड में लोड आ जाएगा, फिर दूसरा डायोड खराब हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे भी सही से सोल्डिंग कर रहा हूँ। सोल्डिंग हो गया, देखिए इधर कोई शॉर्टिंग नहीं है, चला गया शॉर्टिंग, इसको लगा दे रहा हूँ, सारे वायर लगा दिया। उसकी लाइट चला गया, अब लोगों को वोल्टेज चेक करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए अब मीटर में देखिए, मीटर में देखिए 61 वोल्ट हो गया, अभी 18 एम्पियर है। मैं कम एम्पियर में स्पार्किंग करके दिखा रहा हूँ, देखिए स्पार्किंग हो रहा है, यही हो रहा है, ठीक है। अभी सही हो गया, इसको बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। इस वीडियो में इतना तक, आगे हम दूसरा वीडियो में मिलेंगे आप लोगों के साथ। अगर इस वीडियो को आप लोगों का इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।